नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों को भूजल, नदियों का पानी तथा शोधित जल की सुचारू उपलब्धता के लिए आगामी 2 वर्षों हेतु प्रदेश में केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार की जाए, जिसमें जिलों, ब्लॉक तथा गांव को शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र यह योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गिरते भूजल स्तर के उत्थान के लिए वाटर रिचार्ज व उपयोगी संबंधी एक समायोजित योजना की आवश्यकता है, ताकि लोगों को खेती तथा घरेलू उपयोग के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों के आधार पर योजना बनाई जाए और प्रत्येक गांव का जल उपलब्धता सूचकांक तैयार करें। NCR क्षेत्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों की विंडशील्ड पर अब वाहन में प्रयोग होने वाले ईंधन सहित सभी प्रकार के जानकारी वाला होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगवाना अनिवार्य होगा। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह फैसला लिया है। RTA सचिव गजेंद्र सिंह ने कहा है कि होलोग्राम वाले स्टिकर वाहन की विंडशील्ड पर लगेंगे। वाहनों पर लगने वाले रंगीन स्टिकर में वाहन का पूरा ब्यौरा, वाहन कितना पुराना है, किस ईंधन से चलता है, वह कहां से पंजीकृत है, सभी अंकित होगा। फिलहाल 1 अप्रैल 2019 से पहले से सभी पंजीकृत पेट्रोल, डीजल व CNG आधारित वाहनों पर मैं लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह स्टिकर लगाया जाएगा। CNG वाहनों के लिए नीले रंग, डीजल वाहनों के लिए संतरी यानी ऑरेंज व अन्य पृष्ठभूमि के वाहनों पर ग्रे रंग के स्टिकर लगेंगे। लॉकडाउन के बीच अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं और न ही नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो पाया है। ऐसे में होनहार बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी न आए, इसके लिए NCERT के पोर्टल पर पहली से 12वीं तक के सभी विषयों की किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से NCERT की अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय स्कूल न खुल पाने के कारण बच्चे अपने घरों पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं है। अब NCERT द्वारा स्कूली छात्रों की इस समस्या को देखते हुए सारी किताबें घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना के चलते स्थगित की गई सैनिक भर्ती मेडिकल रिव्यू हिसार व जयपुर सैनिक अस्पताल में 19 जून से फिर शुरू होंगे। हिसार में 19 से 26 व जयपुर में 28 को मेडिकल रिव्यू किए जाएंगे। निर्धारित तिथि पर मेडिकल रिव्यू के लिए उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा। दादरी सेना भर्ती कार्यालय ने बताया कि कोरोना के चलते स्थगित किए गए सैनिक भर्ती मेडिकल रिव्यू स्थगित कर दिया गया था, जिन्हें अब 19 जून से हिसार व जयपुर में फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक के दंगल में प्रदेश के पहलवान अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। बॉक्सिंग, पंच और स्टिक निशानेबाजी पर भी दारोमदार रहेगा। यही नहीं, एथलेटिक्स में भी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए ओलंपिक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अहम पहलू यह है कि प्रदेश भर से 23 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इनमें 4 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 8 खिलाड़ी कुश्ती के हैं, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल के साथ साथ ओलंपिक भी खेल चुके हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बातचीत में बताया कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5-5 लाख रुपए की एडवांस राशि दे रही है। किसी भी सरकारी स्कूल का जिक्र होने पर आमतौर पर व्यक्ति के दिमाग में एक पुरानी इमारत पर हुई पीली सफेदी व टूटी खिड़कियों वाले कमरों व मैदान में उगे झाड़ झंखड़ों वाली छवि घूमने लगती है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की छवि धीरे धीरे बदल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही फेस लिफ्टिंग योजना के तहत जहाँ आजकल स्कूल की इमारतों को आधुनिक रंगों से चमकाया जा रहा है, वहीं इनकी दीवारों पर शिक्षा क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले देश व विदेश के शिक्षाविदों व वैज्ञानिकों की कलाकृतियां बनाकर इन्हें भी प्रेरणादायी बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को कुछ सीखने को मिले, इसी उद्देश्य को लेकर वॉल पेंटिंग, मानचित्र, स्लोगन आदि स्कूल की दीवारों पर उकेरे जा रहे हैं। फेस लिफ्टिंग के तहत जारी होने वाली ग्रांट से स्कूल को मुख्य रूप से डेकोरेट किया जाता है। इसके तहत स्कूल में मुख्य द्वार को सुंदर व आकर्षक रूप दिया जाता है। स्कूल में वॉल पेंटिंग में परिणाम, अंकगणित, वैज्ञानिक सूत्र, मानचित्र, दीवारों पर स्लोगन इत्यादि बनाए जाते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित आनंदपुर के साथ लगते 2 गांव ओडी व चांदुवास के सीमा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की खाली पड़ी 26 एकड़ 4 कनाल जमीन में से 15 एकड़ भूमि पर ड्राइविंग स्कूल व रिसर्च सेंटर बनाए जाने की तैयारी है। इसको लेकर शुक्रवार की देर शाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग लेते हुए रेवाड़ी के DC यशेंद्र सिंह व DTO गजेंद्र सिंह से पूरी जानकारी भी ली। ACS ने इसका पूरा खाका तैयार करने का आदेश दिया है। वहीं DC यशेंद्र सिंह ने इस ड्राइविंग स्कूल में हॉस्टल की सुविधा व मेस की व्यवस्था करने की भी मांग की है, जिससे ट्रेनिंग के दौरान बाहर से आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फतेहाबाद के बोड़ियाखेड़ा सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय में संचालित इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीताराम शर्मा ने बताया कि ऐसे में जो भी विद्यार्थी इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने यह आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वह बताए कि गुरुग्राम में शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण कब होगा। शैलजा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह तो याद होगा कि उन्होंने 29 जून 2017 को गुरुग्राम के सेक्टर 102 खेड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि इसका निर्माण 2022 तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2018 को इसका शिलान्यास भी कर चुके हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि इससे साबित होता है कि खट्टर सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है, उसका ध्यान सेवाओं पर नहीं बल्कि दिखावे पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एम इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रविवार को हादसे का शिकार हो गए। उनका गुरुग्राम से झज्जर जाते वक्त एसजीटी यूनिवर्सिटी के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को जब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गुरुग्राम से झज्जर जा रहे थे तो एसजीटी यूनिवर्सिटी के पास उनकी गाड़ी की टक्कर मारुति कार से हो गई। गनीमत रही कि टक्कर के बाद उनकी गाड़ी की एयरबैग खुल गई, जिससे वे बाल-बाल बच गए। हरियाणा में प्री मानसून ने समय से 10 दिन पहले दस्तक दे दी है। बता दें कि कल रात को हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व मेवात जिलों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं कल शाम को हरियाणा के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, चरखे दादरी, भिवानी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र आदि जिलों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है।